लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए लगातार मीटिंग कर रही है। गठबंधन ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है, लेकिन इस बीच एनडीए के लिए सबसे बड़ी परेशानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीटें जीती है, वहीं नीतीश की आरजेडी 12 सीटों पर काबिज है। नतीजों के साथ ही ये चर्चा भी काफी हो रही है कि कहीं टीडीपी और आरजेडी एनडीए का साथ छोड़ इंडी गठबंधन का दामन ना थाम ले। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्माया हुआ है। इस बीच दोनों ही पार्टियों ने 5 जून को समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिया है, लेकिन बीजेपी को नए मंत्रिमंडल में काफी समझौते करना पड़ सकते हैं। मतलब कि इन पार्टियों को कुछ बड़े मंत्री पद सौंपने होंगे। इसको लेकर टीडीपी और जेडीयू की तरफ से डिमांड भी रखे जाने की बात सामने आ रही है। जैसा कि आपको भी पता है कि बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर बन चुके हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जेडीयू की डिमांड। जनता दल यूनाइटेड की नजर 3 मंत्री पदों पर है। इसमें रेल मंत्रालय के अलावा ग्रामीण विकास और जल शक्ति मंत्रालय भी शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया कि जेडीयू के बाकी विकल्प सड़क परिवहन और कृषि मंत्रालय हो सकते हैं। इसके अलावा जेडीयू बिहार के लिए स्पेशल स्टेट्स की मांग भी कर सकती है। वहीं टीडीपी की बात करें तो पार्टी राज्य के लिए 5 या उससे ज्यादा मंत्री पद की डिमांड कर सकती है। तेलुगु देशम पार्टी सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि, जल शक्ति, सूचना एवं प्रसारण और शिक्षा मंत्रालय की डिमांड कर सकती है। इसके अलावा पार्टी की तरफ से लोकसभा स्पीकर के पद की भी मांग की गई है। इसके साथ ही राज्य के लिए स्पेशल स्टेट की मांग भी कर सकती है। वैसे पार्टी की तरफ से ये मांग काफी पुरानी रही है। इन दोनों पार्टियों के अलावा एनडीए में शामिल बाकी पार्टियां भी 1 या उससे ज्यादा मंत्रालय की मांग कर सकती है। शिंदे गुट 1 कैबिनेट और 2 एमओएस, जबकि चिराग पासवान 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री की मांग कर सकते हैं। ऐसे में मंत्री पद का बंटवारा कैसे होगा, किसकी मांगे पूरी होगी और किससे खाली हाथ रहना होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मैं हूँ हिमानी श्रोत्रिय। ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए नेशन मिरर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।